असल नमस्कार एंड गुड इवनिंग मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हम जी आज जरा बात करेंगे अपने कानून के ऊपर यानी कि लॉ के ऊपर और बात करेंगे कि किस तरह का पाकिस्तान में लोग जो हैं वो क्राइम करते हैं और उसके बाद जो है कैसे वो बच जाते हैं और क्या होता है इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं भी किया होता लेकिन तब भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम टू टाइम आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स लेकर आते रहें जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटकर हो लेकिन हम बात कर सकें जो आम सिटीजन पाकिस्तान के हैं या बाकी सारी दुनिया के वो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या काम होना चाहिए हमें जी आज ज्वाइन करेंगी सिबा फारूक जो कि एडवोकेट हैं एक्सपर्ट्स हैं इन एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स स्पेशली और उसके साथ ही वो एक अपना लॉ फर्म जो है वो भी रन करती हैं और उन्होंने सारी जो अपनी स्टडीज़ हैं जो एजुकेशन है वो स्विट्ज़रलैंड और यूके से की है हम सिबा से आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जैसे बहुत से केसेस अभी रिसेंटली पाकिस्तान में देखे जिसमें के सबसे पहले तो जो लेटेस्ट जो है वो नूर मखदूम का केस है जिसको आपने देखा कि किस तरह से वो चला और कहाँ जाके ख़त्म हुआ लेकिन फिर भी एक बड़ी अच्छी बात है कि उसको एटलीस्ट सज़ा हुई है और जिसने मारा था आ, उसने उसको जो है फाइनली कोर्ट ने सजा दी लेकिन साथ साथ हम कंदिल बलोच का देखते हैं कि कंदिल बलोच का के भाई ने जिसने उसको मार डाला था उसको तीन साल के बाद छोड़ दिया गया ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी तरह से बहुत से केसेस हमारे ऑनर किलिंग के होते हैं जिसमें फैमिलीज जो हैं वो माफ कर देती हैं और कोर्ट उनको छोड़ देती है तो ये मेरे ख्याल है शायद बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता ये हम सिबा से समझने की कोशिश करेंगे Thank you so much, क्या आपने किया बहुत शुक्रिया। तो मार्जु। कैसी हैं आप? और हर दफा आकर मुझे बहुत खुशी होती है और ये भी देख के बहुत खुशी होती है हाउ योर शो आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग बाय द डे सो आई वन ऑफ योर व्यूअर्स एंड फैंस थैंक यू सो मच अब ये आ जाए ह्यूमन राइट्स के इशू पे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग वन ऑफ़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग इश्यूज़ फेस्ड बाय आर सोसाइटी एट दिस टाइम लीस्ट आई थिंक आई फील दैट एंड मोस्ट पीपल वुड से दैट कि हमारी जितनी ज़्यादा uh, जितना तकलीफ दे ये ह्यूमन राइट्स इश्यूज हो गए हैं उतनी कोई और चीज़ नहीं है हम लोग बहुत रिजिलियंट कॉम हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी स्ट्राइड में लेके चल रहे थे करप्शन भी पावर्टी भी इन्वामेंटल uh, प्रॉब्लम्स भी लेकिन ये बहुत दुख देने वाली uh, बातें हैं और ये बहुत दुख देने वाले इंसिडेंट्स हैं जो ऑफ लेट uh, या तो ज़्यादा हो गए हैं या हमें उनकी अब इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा आती है आपने नूर मुकदम के केस की बात की वो एक मैं कहूंगी कि हमारे लिए एक विक्ट्री है एक आ, एक, एक अच्छा अच्छा एग्जांपल लीगल सिस्टम लीगल पहलू से बात करूंगी लीगल सिस्टम की हद तक रहते हुए नूर मुकदम का केस जो है बाकियों से थोड़ा बेहतर रहा है बिकॉज़ जल्दी आ, वैसे तो जल्दी जिनके ऊपर गुजर रही थी उनके लिए वो सात महीने जल्दी नहीं थी लेकिन लीगल सिस्टम की डिलेज़ को देखते हुए फिर भी काफ़ी स्पीडी मेरे ख्याल से काफ़ी स्पीडी ट्रायल हो गई और सेंटेंस भी हो गया आ, बस ये है बात कि ये फाइनल फोरम नहीं है और इसके बाद अभी हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है सो so, इस सेंटेंस को इम्प्लीमेंट होते होते अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन एटलीस्ट एक मैसेज सोसाइटी को पहुंच गया कि आप ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके और इतने घिनौने जुर्म करके आप बच नहीं सकते सो so, आप पहुंचेंगे अपने एंड uh, को इसके बाद नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं लेकिन मुझे ये बताइए कि जब हर तरह के एविडेंस मौजूद थे वीडियो मौजूद थी और सीसीटीवी सी मौजूद थी फिर इतना टाइम क्यों लगा और एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है उसके बावजूद वो अपील कैसे कर सकता है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो वहाँ पे वहां पे कैसे जा सकता है क्योंकि ये परमिशन तो अब नहीं होनी चाहिए थी हर चीज तो बिल्कुल क्लियर है सबके सामने है देखें आरजू यह आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर चीज़ क्लियर है सबके सामने है लेकिन ये सिर्फ हमारे मुल्क के हद तक की बात नहीं है दुनिया के जितने लीगल सिस्टम्स हैं वो एक तौर तरीके के तहत चलते हैं एक तरीक़ेकार होता है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन की भी एक स्टेज होती है वो अपना टाइम लेती है एक ट्रायल होती है वो अपना टाइम लेती है विटनेसेस को बात करने का मौका दिया जाता है और कोई भी ओफेंडर हो चाहे उसने कितना बड़े से बड़ा जुर्म जुर्म ना किया हो चाहे वो रेड हैंडेड पकड़ा गया हो लेकिन उसको राइट right होता है कि वो अपने आप को अपनी दलील पेश कर सके क्योंकि देखें इस सिलसिले में तो हमें पता है कि ये आ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसको आप कहते हैं लेकिन कई ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहां पे लोग एक इंसान किसी दूसरे का मर्डर कर देता है और रेड हैंडेड पकड़ा जाता है लेकिन उसमें प्रोवोकेशन का एलिमेंट होता है उसमें कोई ऐसा सेल्फ डिफेंस का एलिमेंट होता है सो so, कानून को अपने तौर तरीके से अपनी जो एक मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना होता है और ये पूरी दुनिया में करना होता है और जहां से एक फोरम से दूसरे फोरम की बात है वो हक भी हर क्रिमिनल को हर ऑफेंडर को ये राइट होता है कि वो अपील कर सके कि आप इस फैसले पे नजर कर लें तो ये एक राइट होता है और ये एक लीगल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में है और उसी उसी तरह हमारे मुल्क में है हमारे मुल्क में क्या गलत हो जाता है वो ये हो जाता है कि जस्टिस बहुत डिले हो जाता है जो कि इस सिचुएशन uh, में Um, I feel इतना डिले फिर भी हुआ है इससे भी जल्दी हो जाना चाहिए था लेकिन फिर भी जितना डिले हो जाता है हमारे यहाँ उतना हुआ नहीं अगर आपने नोटिस किया हो तो एक थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब उनका केस आया था और इवन ही कमिटेड अ सुसाइड और उनकी डेथ के तीन साल के बाद उनको जो है वो बताया गया कि रिहा कर दिया जी वो इल्जाम साबित ही नहीं हुआ इतना लेट के मतलब इंसान दुनिया से चला जाए टेंशन उठाओ उठा के ये भी हमारे ही मुल्क में होता है लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें कंदील बलोच की और तीन साल के बाद उसके भाई को छोड़ दिया गया क्या आप समझती हैं कि बाकी दुनिया में भी इस तरह से होता है कि जी फैमिली ने माफ कर दिया तो कोर्ट ने भी माफ कर दिया पहले असद मुनीर साहब के ऊपर बात करूं मैंने उनकी बेटी का आ, पोस्ट और उनकी बेटी के ट्वीट्स देख रही थी और वाकई बहुत दुख देने वाली बात थी कि उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया एंड उस दुख से एक उन्होंने सुसाइड कर ली और उनको कब इज्जत जो कहते हैं उनके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हटाए गए बरी किया गया वो उनके मरने के कहीं टाइम बाद सो ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे जस्टिस सिस्टम का उसका डिले उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे घिस घिस के रो रो के एक स्टेज से आगे जाती है बात दूसरे स्टेज पे इवन फॉर इन्फ्लुएंशियल पीपल अब आप जितने हम केसेस की अभी बात कर रहे हैं नूर मुकदम डिप्लोमैक्ट्स डॉटर असद मुनीर आल्सो एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन लोगों को भी आप सोचें इनके लिए भी जस्टिस इतना डिले हो जाता है तो आम आदमी के साथ क्या होता है ये तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं और जब रियलिटी हम लोग में और आप तो रियलिटी भी जानती हैं कि हमारे चीज में क्या हो रहा है और आम आदमी के साथ जस्टिस सिस्टम क्या कर रहा है वो तो बिल्कुल ही एक आ, मतलब उसके ऊपर तो कमेंट भी नहीं किया जा सकता इतने बुरे हालात हैं आ, दूसरी बात आपने कंदील बलोच की, की। अगेन कंदील बलोच की सिचुएशन में ये है कि आपको पता है कि कंदील बलोच के मर्डर के बाद अगेन ये ऑनर किलिंग थी और इस ऑनर किलिंग के बाद आ, कानून चेंज किया गया और एक नया एंटी ऑनर ऑनर किलिंग लॉ पास किया गया जिस लॉ ने ये कहा कि अब से आप ब्लड मनी दे के या अदरवाइज विदाउट गिविंग ब्लड मनी आप माफ नहीं कर सकते ऑनर किलिंग को पहले ये तरीका था आरजू के साल में हमारे मुल्क में और हमारे नेबरिंग इंडिया में भी हजार से ज्यादा ऑनर किलिंग्स होती हैं और हमारे मुल्क में ये तरीका चल रहा था कि ऑनर किलिंग हो गई और माँ बाप और रिलेटिव जो हैं क्योंकि ऑनर किलिंग यूजली रिलेटिव ही आपके क्लोज रिलेटिव ही करता है गैरत के नाम पे जिसको कहते हैं या क्राइम ऑफ पैशन जिसको बोल देते हैं। so, वो उसको माफ कर देते थे बेटे ने बहन को मार दिया गैरत के नाम पे माँ बाप ने माफ कर दिया कि अच्छा चलो ठीक है हम माफ करते हैं सो so, ये अब कानून आ चुका है जो कहता है कि आप ये नहीं कर सकते लेकिन बहुत 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 अफसोस की बात यह है कि जिसकी वजह से ये कानून आया और ये सारी कैंपेन चली कंदील बलोच उसी के केस में ये कानून लागू नहीं हो सका क्योंकि वो ऑफेंस पहले हुई और कानून बाद में आया और कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो नहीं सकता इसलिए उसको माँ बाप ने पार्डन कर दिया माफ़ी दे दी उस अपने बेटे को एंड ही इज़ वॉकिंग फ्री बिल्कुल लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं आ, के बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर होती है और ना सिर्फ इस तरह की जो कंदील बलोच की हुई है बल्कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से सलमान तासिर साहब को मारा गया और उसके बाद आ, उनके कातिल को भी हीरो बना के पेश किया गया और हमारे सॉरी टू से लेकिन हमारे लॉयर्स जो है वो बड़ा उनको उसको अप्रिशिएट कर रहे थे और उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे तो ये सोसाइटी किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है कि जब इस किस्म के लोगों के साथ हम उन्हें हीरो बना रहे हैं वजह इसके कि उसने एक oath लिया था कि मैं इनकी हिफाजत करूंगा और उसके बजाय उसने गोलियां मार दी उसको हमने हीरो बना दिया हमारे लॉयर्स ने जिनको बहुत हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं देखिए अरजू आ, बुराई का साथ देने वाला वो लॉयर हो वो डॉक्टर हो या वो जो भी इंसान हो इट्स नॉट राइट ठीक है एंड सोसाइटी uh, किस तरफ जा रही है वो तो हमें नज़र आ रहा है लिंचिंग होती है किसी की तो उसके साथ खड़े होके लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं ठीक है, है? आ, भरे मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक औरत को 400 आदमी मैन हैंडल कर रहा है सो so सोसाइटी किस तरफ जा रही है ये हमें नज़र आ रहा है लेकिन इसकी रूट कॉजिस बहुत सारी हैं एक नहीं है और उस सोसाइटी में सारे शामिल हैं लॉयर्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स वर्कर लेबरर्स सब शामिल हैं अगर आपने सोसाइटी का सेटअप और सोसाइटी की थिंकिंग और सोसाइटी का आम, क्या कहते हैं कॉन्शंस ठीक करना है कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क जान सकें और वो ये बता सकें कि ये मतलब बुराई के साथ ना खड़े हों और बुरे काम ना करें और इलीगल एक्टिविटीज ना करें तो आपको पूरी सोसाइटी को चेंज करना है और आपको पूरी सोसाइटी में चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं आपको पूरी सोसाइटी में एजुकेशन लानी है आपको पूरी सोसाइटी में पावर्टी इराडिकेट करनी है आपको पूरी सोसाइटी से फ्रस्ट्रेशन इराडिकेट करनी है ठीक है ये फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रिकन एंड अनएजुकेटेड लोग हैं ना जिनको शऊर ही नहीं है जिनकी ब्रेन वॉशिंग जिस भी जगह पे या जिन भी तरीकों से हुई हुई है और इस हद तक हुई हुई है कि वो सोचते हैं कि आपने एक लिंचिंग uh, कर दी का uh, लगा के एक बंदे की लिंचिंग कर दी या आपने एक औरत को मैन हैंडल और मोलेस्ट कर लिया तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है इसमें कुछ गलत नहीं है फिर तो उसके साथ आपने खड़े होकर बाद में सेल्फीज ले ली एग्जैक्टली hmm. लेकिन इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए और इस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वरना पाकिस्तान का जिस तरह से हर तरफ नाम इस चीज को लेके जा रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है लेकिन अगर हम बात करें शाहरुख चतोई की शाहरुख चतोई की भी वही केस है और सालों से चलता चला आ रहा है उसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो जो है हॉस्पिटल का भी चला जाता है पूरा फ्लोर ले लिया जाता है और वो वहां पे बैठा है कभी एसी लगा के टीवी देख रहा है जेल के अंदर और विक्ट्री का निशान बना खर ये विक्ट्री का निशान हमारे लीडर्स भी जेल से बाहर आके बनाते हैं तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर है हर चीज के उसने मारा है उस, उस दूसरे अपने स्टूडेंट जो साथ था उसको तो क्यों नहीं उसको अभी तक सजा हो पा रही है आपके ख्याल से देखिए ना शाहरुख चितोई जो कर रहा है वो वी वी आई पी ट्रीटमेंट डिस्पाइट चार्जेस वो तो हमारे बहुत सारे लोग कर रहे हैं मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं मुल्क के बाहर भी कर रहे हैं हमारे क्रिमिनल्स का स्कॉट फ्री फिरना और फिर एक लग्जरी की लाइफ इंजॉय करना ये तो एक कॉमन चीज हो गई है काफी डेकेड से चल रही है हम देखते रहते हैं कि वो या वो ये उनको ये फैसिलिटी मुल्क के अंदर मिल जाती है मुल्क के बाहर मिल जाती है अगेन शाहरुख जो तो सिचुएशन में यही है वही वाली पूरी सिचुएशन है जस्टिस डिलेड वाली आ, पूरे वो जो कानून आपको तरीके देता है कानून इंप्लीमेंट नहीं किया जाता कानून के मुताबिक बहुत क्लियर कट तरीका है जिसमें अगर आपने किसी भी क्रिमिनल ने जो बिहाइंड बार्स है उसको अगर हॉस्पिटल में ट्रांसफर होना है तो उसको अप्रूव चाहिए होते हैं। एक एक तौर तरीके से एक कानूनी तरीका दिया गया जिसके तहत आप जा सकते हैं। लेकिन उसका तरीका है अब जहाँ पे आम, बिग नेम्स आ जाते हैं इनफ्लुएंस आ जाता है तो फिर वहां पे ये सारे जो कानूनी आम, तरीके हैं मतलब कानूनी जो उनको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो वो करते नहीं हैं तो इसी वजह से उनको फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं एंड ये आर्जू तो हम देखते चले आ रहे हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने जेलों में टीवीज और जेलों में खाना पीना और जेलों में सब कुछ होता चला आ रहा है वही आर्जू वो इसकी जतो की यही आ... हमारे तो खैर कुछ क्रिमिनल्स ऐसे भी हैं या जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है यूएसए ने और सबने तो उन उनके तो बच्चे तक हो गए जेल के अंदर हमें बहुत बार हम जाते हैं इंडियन टीवी पे तो वो हमें बोलते हैं तो हम फिर सुनते रहते हैं बैठ के तो लेकिन ये है कि साथ साथ सिबा लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगी क्या आप आपको आरजू कट कर रही हूँ ये सब कुछ हमारे एंड पे है लेकिन ये सब कुछ उसी तरह साउथ एशिया में दूसरे एंड पे भी है आज मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी की रिपोर्ट इंडिया के ऊपर सो वही सब कुछ उस तरफ भी जमीन एक ही है ना चल रही है तो उस तरफ यही सब कुछ हो रहा है हमारा पूरे साउथ एशिया में इन सब चीजों के रिफॉर्म्स की जरूरत है ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ये सब प्रॉब्लम uh, सॉरी आपकी बात मैंने है नहीं 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 आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल साउथ एशिया में यही आपसे पूछने जा रही थी कि ये सिर्फ हमारी साउथ एशिया की ही प्रॉब्लम है या आप समझती हैं कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका कैनेडा में भी ऐसा होता है और साथ साथ ये भी कि क्या लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि उनको पता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो किस तरह से जो है वो कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं कहाँ जा सकते हैं और किस चीज के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं देखिए जो वेस्ट है ना वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व है सो वो अपने अंदर तो वो अपने जस्टिस सिस्टम को काफ़ी बेहतर हैंडल करते हैं आम आदमी को रिड्रेसल जैसे कहते हैं मिल भी जाता है उसकी ग्रीवियंसेस एड्रेस हो भी जाती हैं अमेरिका ज़रा बड़े लेवल पे फिर करता है जो वो बाकी दुनिया के साथ वो करते हैं उसकी रिड्रेसल जो है हम तो वो देखते हैं कि वो नहीं हो पाती Hmm. जो आपके आ, आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन आउटसाइड ऑफ योर बॉर्डर की हैं वो नहीं hmm. आ, आपकी कोई भी क्वेश्चन करने को नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स hmm. उनको बिल्कुल साल हर साल लग गए कि वो कुछ भी एड्रेस करें उन वायलेशन को हाँ विद इन देर बॉर्डर्स यूरोप और अमेरिका हमसे काफी तरबर है सारी hmm. बात है वो तो है आ, क्योंकि उधर लेकिन अगेन वही बात आ जाती है लिटरेसी है ना एजुकेशन है लोगों को अपने राइट्स का पता है उनके राइट्स वायलेट होते हैं वो आवाज़ उठाती हैं हम फिर भी आरसों अब काफ़ी बेहतर होते जा रही हैं अब हमारे जिस तरह अब आ रहा है ना एट मार्च को हमारा वेमेन डे भी आ रहा है अब हमारी औरतें एटलीस्ट जो हमारी सबसे वीकेस्ट लिंक्स हैं सोसाइटी के औरतें बच्चे अब एटलीस्ट बोल रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एटलीस्ट बोल रही है अब हमारे um, जो पहले नहीं थे कोई राइट्स वो हमें अब मिल रहे हैं कानून में चेंजेस आ रहे हैं वी आर स्टिल बट वी आर ऑन अ पाथ लेकिन आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए टीवी शोज होने चाहिए लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी कि वो आवाज उठा सकते हैं वो चीज पे बात कर सकते हैं उनको थोड़ा बहुत सही बहुत ज्यादा जाहिर आपके जितना तो नहीं किसी को आ सकेगा जब तक कि वो उसकी स्टडीज ना करे जाके स्पेशली लॉ की लेकिन फिर भी कुछ तो लोगों को पता हो कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम जो है इसके ऊपर रिएक्शन ले सकते हैं और तो मेरी नजर में अगर क्राइम्स की पनिशमेंट होती जाएगी अगर चेकस एंड बैलेंसेस होंगे सोसाइटी में अगर आपके पुलिस कांस्टेबल से लेके आपके सुप्रीम कोर्ट के जज तक लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा और जहां लॉ ब्रेक होगा वहाँ पे आपके फाइंस होंगे और वहाँ पे आपकी पनिशमेंट होगी तो हर किस्म की अवेयरनेस हमारे कॉम को आ जाएगी हमारी ही कॉम है ना जब यहाँ अपने मुल्क से उठती है मिडल ईस्ट में स्टेप इन करती है तो हर किस्म के रूल्स को फॉरवर्ड करती है हमारी पूरी लेबर क्लास यू में कतर में उमान में हर जगह है मजाल है कि वो लोग कोई भी लॉ ब्रेक करें मजाल है कि वो लोग कोई भी इीगल uh, काम करें क्योंकि उनको पता है इमीजिएट इधर यू आर इन जेल और यू आर डिपोर्टेड सो उनको पता है कि एक एक्शन कॉन्सिक्वेंस होगा हमारी सोसाइटी में सबको पता है कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा सो so, सबसे पहले तो कॉन्सिक्वेंसेज आपने इन प्लेस डालनी है जो एक सजा का एलिमेंट है ना वो हमारे लोगों के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है वो सजा जरूरी नहीं कि बहुत मैं एक्सट्रीम लेवल पे बात नहीं कर रही चाहे फाइंस के हद तक हो एक टाइम था आरजू कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सीट बेल्ट पहनने का इस्लामाबाद में hmm. आपको याद है यू you नो know, hmm. कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था आई थिंक हम में से किसी ने सीट बेल्ट को कभी हाथ नहीं लगाया था फिर फाइंस लगने शुरू हुए hmm. और जब फाइंस धड़ा धड़ लगने शुरू हुए एक एक बंदे ने सीट बेल्ट पहन लिया एक चाहे छोटा सा शहर है सबने पहन लिया so, सो मेरे ख्याल से दैट्स व्हाट व्हाट इज बाकी सारी चीजें तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है आप कैंपेन्स भी करें आप एजुकेट hmm. भी करें आप स्कूल्स में जाके भी बताएं आप कॉलेजेस में भी बताएं वो सब आप करें लेकिन साथ साथ आप जो एक पनिशमेंट का एलिमेंट है ना वो आप एक्सरसाइज करें बिल्कुल ये करना पड़ेगा और ये जो है सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए ये नहीं कि अगर कोई अपर क्लास से आया तो कुछ और और लोअर क्लास से आया तो कुछ और बिल्कुल ये होना चाहिए और आप सही कह रही हैं सीट बेल्ट पे मुझे याद आया मुझे भी दो बार रोका गया था और मैं लेकिन लेकिन फिर छोड़ दिया था उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा दो बार, उसके बार, उसके बार कभी ऐसा नहीं किया था ना याद ही नहीं रहता था कि सीट बेल्ट भी लगानी है एक टाइम में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ये फिर अब मतलब रोड्स पे बहुत चेंज आया लास्ट में जिसको आप रोड सेफ्टी कहते है रेगुलेशंस कहते हैं उनमें बहुत चेंज आया अगर तो बाकी सब चीजों में भी आ सकता है हमें गवर्नमेंट की लॉ एन एजेंसीज का हैंड है बिल्कुल थोड़ा सा डंडा चाहिए जब कौन नहीं, होना चाहिए खराब तो उनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट चाहिए That's my exactly thing. exactly तो नेडा या यूरोप कहीं जाते हैं तो बिल्कुल सही रहते हैं और पाकिस्तान आके उन्हें पता नहीं क्या हो जाते हैं सब बिल्कुल देसी तरीका कर लेते हैं really. थैंक यू सो मच सिबा की आज आपने ज्वाइन किया ना आई होप कि हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसी तरह के टॉपिक्स के साथ और ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए और लोग खुद भी अंडरस्टैंड कर सकें कि कहाँ पर वो कहाँ जाके किस सिचुएशन में वो कहाँ से मदद ले सकते हैं क्योंकि स्पेशली मैं देखती हूँ सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं है इवन uh, uh, जो मेल्स हैं उनको भी कोई खास पता नहीं होता कि वो किस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं और यहाँ से कैसे निकलना है और uh, कहाँ पे जाके कंप्लेन करनी है तो लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है तो उसके तो बारे में भी हम बात करें पूरा एक नया टॉपिक है इसके ऊपर हम जरूर जब भी आपके पास वक्त होगा तो ये एक पूरा टॉपिक है कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा सकती हैं सो और आम आम को नहीं पता बिल्कुल एग्जैक्टली थैंक यू सो मच सिमा क्या आज आपने ज्वाइन किया थैंक यू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच थैंक यू